वो होगा हाँ। तो अपन अपने नाक पर ठीक है, तो जितनी अपन की क्रिया करते हैं ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। दूसरी शक्ति बाहर कहूँ विराजमान, शक्ति स्वयं अपने आप में विराजमान, उनको जागृत करना में अपने अंदर जैसे अपना जो है आधा आधे में अपन जो है जो बहुत बड़े बड़े विद्वान विवेकानंद कितने 4% विवेकानंद ने कितने % आधे मत पूरे आधे आधे में जो है 4% तब इस संसार में सबसे तो अपन में ही बहुत ज्यादा असीम शक्तियाँ स्वयं अपने उनको जागृत तो धर्म सिर्फ यही कराता है पहले अपन स्वस्थ रहे फिर अपने अंदर जो शक्तियाँ उनको धीरे धीरे जागृत करें ठीक है। इसीलिए अपन ये सब काम करते हैं। अब जैसे मैं ज्ञान तुलसी दल बेल पत्र इनका बहुत विशेष प्रभाव था तो बेल पत्र इसको नाश करते हैं तो अपने ऋषि कितने विज्ञानी थे तो मैं बेल पत्र से ही समझा तो बेल पत्र कौन बेचारा शंकर जी को विष का प्रभाव ठीक है तो विष के प्रभाव को सबसे ज्यादा बेल पत्र नाश करते हैं। हाथ कहना स्पर्शनम दर्शनम बेल पत्र दूर से भी देख लो तो भी शरीरगत विष्णु अब आखिर जो है फाल चीज अपन दूर से देख ले तो अपना शरीरगत विष्णु ऐसा होती है कि आज नासा ने बात सिद्ध कर रहे हैं कि बेल वृक्ष से जो एसेंस निकलती है वो अपने शरीर अपन जिस जा पेड़ के नजदीक से जाएंगे बाकी एक अलग स्मेल निकलती है तो उससे वो निकलती है और बेल पत्र ऐसे तो मतलब तो श्रावण मास में श्रावण भी खाए पूरी ना कारण ये है कि श्रावण में प्रथम कैसे होते अषाढ़ तत्व वर्षा प्रारंभ होता है तो वायुमंडल में जितने विषैले जीव है वर्षा के माध्यम से पृथ्वी शरीर के अंदर जितने विषैले जीव है सांस की वजह से वर्षा का होता है इसीलिए जो है श्रावण मास में तो कहने का मतलब ये है पूजा करती है उसका सीधा संबंध स्वास्थ्य सबसे पहले अपनी जो है गणेश की संग में गौरी बन जाती है गणेश विघ्नन को दूर विघ्न ही ज्यादा भगवान गणेश गौरी को ओम गजानन भूत गणाधिशेकम कपितजं बलचार वक्षणम उमासुतम शोक विनाशे महादिव्ये शिवाय सततम नमः नमो नमः ध्यानार्थे आवाहनार्थे।